हेलो फ्रेंड्स ए आई पी एम टी नीट टू सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन के इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन वीडियो आपने देखा अब हम देख रहे हैं डायरेक्ट अप्रोच जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप स्पीड एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं रूट टू जी एच अपॉन वन प्लस के बाय आर का होल स्क्वायर जहाँ पे के को आप जानते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन होता है सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला सॉलिड सिलेंडर के केस में सॉलिड सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ एनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाय टू रेडियस ऑफ गायरेशन होगा के तो इसको बराबर रखेंगे एम के स्क्वायर के यहाँ से के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमें मिल गया कितना हाफ तो इसके बेस पर हम स्पीड एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन क्या लिखेंगे रूट टू जी एच वन प्लस वन बाय टू तो ये कितना हो गया अंडर रूट फोर जी एच अपॉन थ्री क्योंकि वन प्लस वन बाय टू इज थ्री बाय टू टू पड़ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपने देखा फुल सॉल्यूशन का आंसर भी यही था डायरेक्ट अप्रोच से भी आंसर यही है फर्क सिर्फ इतना है कि यहां केवल फार्मूला याद करने से भी आपका काम चल जाएगा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरीके से सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें टैक्स सोल्यूशन के लिए ट्विस्टेड क्वेश्चन के टैक्स सल्यूशन के लिए जो केवल और केवल मेरे ब्लॉग पर ही अवेलेबल हैं आप विजिट कर सकते हैं सजेशंस के लिए मुझे मेल कर सकते हैं टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं